इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत सारी बुक्स में कि सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस बॉब के ऊपर हैं और ये ना थोड़ा रिपेल कर रहे हैं आपके सामने, और इस बॉडी की जो डेंसिटी है बॉब की वो रो है और ये इक्विलिब्रियम में गिवन है। बस ये जैसे याद है 60 डिग्री एंगल बना था आज, थीटा थीटा बना हुआ है, डन, इक्विलिब्रियम गिवन है। मैंने पूरे अरेंजमेंट को पानी में डाल दिया, पानी की डेंसिटी सिग्मा थी, बॉडी की रो थी और थीटा रिमेनिंग द सेम क्वेश्चन में गिवन है, थीटा चेंज नहीं हुआ। अब थीटा चेंज नहीं हुआ, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, आपको मार्क करना है के की वैल्यू क्या होगी और आंसर पता है कैसा आएगा, आंसर ये आएगा डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है के। फिर ऑप्शन देख के डर जाओगे कि के और डेंसिटी इनका आपस में क्या लेना देना है, तो फोर्सेस का लेना देना है। तो कॉन्सेप्ट सीखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, पानी में डाला ये अरेंजमेंट, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है। जब भी स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम आएगी रूल तो वही अभी आज किया हमने, टेंशन बनानी बनानी है। तो ये थीटा, ये थीटा टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है एफ सी, और वेट इसका कितना है एम जी, एम जी को डब्ल्यू वेट लिख लो। क्योंकि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम गिवन है तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल है डब्ल्यू, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है एफ ए। क्या ये दो स्टेटमेंट्स क्लियर है? वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, एफ ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम क्या चल रहा है वैक्यूम। आप इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड कर लें, टी से टी कैंसल, टैन थीटा की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर थ्री, सही है, ठीक हो गया यहां तक। अब सेम काम करते हैं वाटर में, पानी में डालने अरेंजमेंट, पानी में डालते थीटा तो चेंज होगा नहीं, टेंशन चेंज करनी है कर लो, फर्क पड़ता नहीं है, थीटा मत चेंज करना, क्वेश्चन में गिवन है थीटा सेम है। टी के कॉम्पोनेंट्स हैं टी कॉस टी साइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगी क्योंकि मीडियम क्या हो गया पानी, मीडियम चेंज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज, और वेट भी चेंज होगा क्योंकि पानी क्या लगाएगा अब थ्रस्ट, तो अगर हवा में वेट डब्ल्यू है तो पानी में कम हो जाएगा डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट। इक्विलिब्रियम अभी भी गिवन है तो अब क्या करेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, फिर से इन्हें डिवाइड कर लें, फिर टैन थीटा निकाल लें। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, एंगल तो चेंज हुआ नहीं, पहले केस में टैन थीटा ये रहा, दूसरे केस में टैन थीटा ये रहा, पहले केस में फोर्स एफ सी तो इसमें एफ सी डैश, दूसरे केस में वेट डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश, एंगल चेंज हुआ नहीं, तो दोनों टैन थीटा की वैल्यूज को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ सी बाई एफ सी डैश की टर्म आ गई। फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम को क्या बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश आ गया। तो शॉर्टकट ये है, आज के बाद ये स्ट्रिंग्स अगर पानी में चले जाएं तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर, खत्म, W बाय W डैश, डन। क्या करने हैं ये पेंडुलम बना बना के, तो शॉर्टकट क्लिक समझ में आ रहा है, तो वेट इन एयर बाय वेट इन वाटर, इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म बच गई। पानी के अंदर वेट कितना है, एक्चुअल वेट में से अप थ्रस्ट को माइनस, वेट क्या होता है वॉल्यूम, वेट ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, वेट ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, लेकिन अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी यूज करते हैं लिक्विड की, तो वीजी 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 कैंसिल, ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एग्जांपल